इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का आवेश है और अल्फा कण का आवेश निकालना है। क्वेश्चन में आगे ये भी कहा है, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो जो आवेश होगा वो धन आवेश यानी कि प्रोटॉन के कारण ही होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। का मान दिया है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा है निकालना है अल्फा कण का आवेश का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या दी है, तो जब भी हमें प्रोटॉनों की संख्या दी होती है, प्रोटॉनों की संख्या हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तो उसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या दी, प्रोटॉनों की संख्या का मान लिया है n बराबर मान लिया 2। निकालना है आवेश, हमारे पास फॉर्मूला है q बराबर हमने लगाया है e, एन का मान है हमारे पास 2 और ई का मान है 1.6×10⁻¹⁹ गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जाएगा 3.2×10⁻¹⁹ गुलाम के साथ में तो क्या धन आवेश हो गया प्रोटॉन का आवेश है हमारे पास गुलाम। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6×10⁻¹⁹ कूलम का आवेश है, तो हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम दे दिया। उसके बाद अल्फा कण पर आवेश का मान हमें निकालना था, अल्फा कण पर आवेश का मान हमें क्यों मान लिया क्यों हमें निकालना है, और साथ साथ प्रोटोनों की संख्या क्वेश्चन में दी गई थी, प्रोटोनों की संख्या एन बराबर 2 दी गई। प्रोटोनों की संख्या हो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, आप उसको क्या मानेंगे, हमेशा एन मानेंगे। तो फॉर्मूला आवेश बराबर में लगाया क्यू बराबर एन ई और एन का मान रखा 2, ई का मान रखा 1.6×10⁻¹⁹ कैलकुलेशन करी तो आ गया 3.2×10⁻¹⁹। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, एक चालक दिया हुआ है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश दिया है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालनी है, तो आवेश का मान दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है क्यू, क्यू का मान दिया हुआ है 1 कूलाम और कहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इनका मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बराबर होता है एन ई, तो हमें एन का मान निकालना है, तो एन बराबर हो जाएगा ये ई बटे में पहुँचा देंगे क्यू बटे ई हो जाएगा। अब क्यू का मान हमारे पास दिया हुआ है 1 और ई का मान हमें पता है होता है 1.6×10⁻¹⁹ जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जब भी इलेक्ट्रॉन के ई आ जाएगा तो ई का मान हमें ये रखना होगा। तो यहाँ का पॉइंट आएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया ये 16 और 10⁻¹⁹ हो गया माइनस का 19। लेकिन हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ये माइनस की खाद ऊपर पहुँचेगी तो ये प्लस की बन जाएगी यहाँ पर, इसको क्या करा हमने यहाँ पर इसको बना दिया 100 और इसकी घात कर दी हमने एक बटे कर दिया हमने 100। अब 100 को 16 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6.25×10⁻¹⁹ कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। क्वेश्चन में कहा था कि एक चालक पर 1 कूलम का आवेश है, पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इनका मान हमें निकालने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में। क्यू बराबर हमने लगाया एन ई फॉर्मूला, एन निकालना था तो एन बराबर हो गया क्यू बटे ई, क्यू का मान हमने 1 रखा था, पॉइंट आगे 0 बढ़ा दिया 10 बन गया ऊपर, माइनस की खाद को ऊपर पहुंचा दिया 10 की खाद 19 प्लस में आएगी, इसकी एक खाद को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये 100 और ये 10 की खाद 18 कर दिया, 100 को 16 से भाग करा इतना आ गया 10 की खाद 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा है एक चालक पर 2.4×10⁻¹⁹ कूलम धन आवेश है, यहाँ पर आवेश का मान दिया हुआ और इस पर इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन में धन आवेश कहा गया है कि 2.4×10⁻¹⁹ कूलम धन आवेश है, तो धन आवेश कब होता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है,
इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहाँ पर धन आवेश होगा। करके देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, एक चालक पर 2.4 × 10^18 गुणा है तो आवेश का जगह 2.4 × 10^18 गुणा दिया हुआ और ये ऋण आवेश दिया है, धन आवेश दिया हुआ धन आवेश। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है, फिर से इनका मान निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हमने ही बताया था कि बराबर होता है फॉर्मूला एन ई, तो हमें निकालना है एन, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई एन बराबर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का मान हमारे पास दिया है 2.4 × 10^18 माइनस का 18 और ई का मान हमें अपने पहले वाले क्वेश्चन में भी आता है 1.6 × 10^18 माइनस 1917। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे तो काट देंगे तो 1819 काट देता 10^18 माइनस 1 बचा। इसके पॉइंट से ये वाला पॉइंट हमने हटा दिया, ये 24 हो गया, ये 16 हो गया। अब इसको काट देंगे 8 से 8 × 16 और ये कर देंगे 8 × 24 तो ऊपर तो बन गया 3 और नीचे बन गया 2 हमारे पास, ठीक है। अब ये 10^18 माइनस 1 था, ये भी ऊपर पहुँचा देंगे, जब ये ऊपर पहुँचा देंगे तो ये बन जाएगा 10 और 3 की 10 से गुणा करेंगे तो बन गया 20 और बटे 2 आ गया। इसको 2 से भाग करेंगे तो आ गया 15 और ये 15 क्या है क्योंकि हमारे पास धन आवेश था तो क्या हो जाएगी ये 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा एक चालक पर 2.4 × 10^18 धन आवेश है तो आप इसका मान क्यू ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान हमें निकालना है तो क्यू बराबर लगा दिया हमने एन ई को, एन बराबर लग गया क्यू का मान 2.4 × 10^18 लगा था हमने, ई का मान 1.6 × 10^19 होता है। पॉइंट से पॉइंट आया ये 24 हो गया, ये 16 हो गया, 8 से काट के 8 से 24 8 से 16 1819 के साथ काटे 10^-1 बची रहेगी, 10^-1 ऊपर पहुँचा जाता कब बन गया 3 × 10/2 आ गया, 3 की 10 से गुणा करी 30/2 भाग कर ली 15। अगला क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु को 4.8 × 10^19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, क्या देखिए आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से निकालनी है। यहाँ पर आवेश दिया हुआ है, फिर से करके देखते हैं आवेश का मान क्यू बराबर दिया हुआ है 4.8 × 10^-19 कूलाम का आवेश दिया हुआ है, इतना कूलाम आवेश इसको करना है, धनावेशित करना है तो धनावेश करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने ही होंगे। तो पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एन का मान आपको कैलकुलेट करना है तो फिर से वही फॉर्मूला क्यू बराबर हमने लगाया एन ई, एन बराबर हो जाएगा क्यू बटे ई आ जाएगा, क्यू का मान है 4.8 × 10^-19 और ई का मान हमारे पास है 1.6 × 10^-19 जैसे से पूरे काटते हैं। तो अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट आया 16 × 48 तो 16 × 3 से भाग करेंगे तो 16 × 48 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आगे धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है 7N14 दिया हुआ है, नाभिक पर कूलाम में आवेश दिया दीजिए, मीन इसके नाभिक पर आवेश निकालना है, नाभिक का आवेश निकालना है, इसकी आवेश होता है क्यू, मतलब कि हमें क्यू निकालने के लिए कहा गया है और क्यू निकालने के लिए हमें चाहिए क्यू बराबर होना होता है एन ई, तो हमें एन चाहिए तो ई का मान तो हमें पता है, ई का मान तो 1.6 × 10^19 होता है, हमें क्या चाहिए हमें एन का मान चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। तो यहाँ पर नाभिक के बारे में कहा गया तो नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, तो हम यहाँ प्रोटॉन देखते हैं तो 7N14 जो है में प्रोटॉनों की संख्या, अब प्रोटॉनों की संख्या कहाँ से आएगी, देखिए प्रोटॉनों की संख्या कहाँ से आएगी, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी बन जाएगी 7 बन जाएगी, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा लेंगे क्यू बराबर हो गया एन ई
एन का मान हमारे पास 7 है और ई का मान 1.6 गुणा 10^-6 गुणा कर देंगे इसकी, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11.2 गुणा 10^-6 नाभिक की बात चल रही है तो नाभिक में जो होगा वो धनावेश होगा बराबर गुलाम धनावेश। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा है 7N14 नाभिक का आवेश निकालना था आपको। आवेश निकालने के लिए आपको प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, तो यहाँ पर 7N14 में क्योंकि नाभिक की बात है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, प्रोटोन होते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रोटोनों की संख्या निकाल ली, जितना परमाणु द्रव्यमान होता है वही प्रोटोनों की संख्या होती है, तो एन बराबर हमने लिया 7। फॉर्मूला लगाया है क्यू बराबर NE, एन का मान का 60, ई का मान 1.6 फिक्स वैल्यू है, गुणा कर देंगे 112 अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अपने चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के बारे में कहा है कि चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा क्या थी। मैं आपको आवेश की प्रकृति भी बतानी है और आवेश का मान भी निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहा है, ऑप्शन में कहा है किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है, एन बराबर दिया हुआ है 1500, क्या दिया है अधिकता कहा, क्या कहा है अधिकता कहा है क्वेश्चन में कि 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक है, जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अधिक होने पर आता है हमारे पास ऋण आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो धन आवेश आता है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वहां पर क्या होगा हमारे पास ऋण आवेश आ जाएगा। तो निकालना है आवेश की प्रकृति बतानी है और आवेश का मान निकालना है, आवेश क्यों निकालने के लिए कहा है और साथ साथ प्रकृति भी बतानी है, ठीक है। तो आवेश हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला क्यू बराबर, हम फिर से लगाएंगे क्यू बराबर होता है एन ई, इनका मान दिया हुआ है 1500 हमारे पास है, ई का मान 1.6 × 10^-6 इन दोनों की गुणा करेंगे, इसके पॉइंट हमने यहाँ से जीरो कट कर दिया, और जब इनकी गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास ये 2400 × 10^-19 इसके 0.3 को बात पहुँचा देंगे, 0.3 लगा देंगे 2.4 × 10^-16 ये इतना आवेश का मान है, ठीक है। अब इसके साथ ही हमको प्रकृति की बता रही थी, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो प्रकृति हो जाएगी इसकी ऋणावेश, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में कहा था किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का हमारा क्वेश्चन में आगे समान निकालना था, प्रकृति भी बताने की क्वेश्चन में हमने भी बराबर नहीं लगाया, एन का मान 1500, ई का मान 1.6 × 10^-19 भी काम है, दोनों की गुणा करी 2400 × 10^-19 दशा को यहाँ पर लाके तीन अंक बाद लगा दिया, बाकी 2.4 × 10^-16 गुलाम आगे समझिए प्रकृति दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी यहाँ पर गणना दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा है एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपके फिर से इलेक्ट्रॉनों की कमी भी है, इलेक्ट्रॉन का मान दिया हुआ है 500 और आपके क्या है ये कमी भी हुई है इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कौन सा आवेश आएगा धन आवेश यहाँ पर बनता है, तो आवेश का मात्रा और प्रकृति निकालनी है, तो आवेश फिर से आपको क्यों निकालने के लिए कहा गया है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आवेश क्यों बराबर हो जाना है हमारे पास एन ई, एन का मान है 500, ई का मान है 1.6 × 10^-19 गुणा करेंगे फिर से, तो इसका पॉइंट आया हमने 0 काट दिए, अब ये 0 ऐसे रखा 16 के 5 से कटे तो 16 × 80 × 10^-19 आ गया, ये दोनों 0 काट देंगे तो 2 पावर भी खत्म हो जाएगी और हो जाएगा 8 × 10^-17
एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n का मान 5 तो ले लिया हमने आपका 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी। आवेश निकालने के लिए क्या है, आवेश के बराबर क्या है n लगाएंगे, n का मान आपका 500, e का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ लगाया, इसके पॉइंट से एक जीरो कट कर दिया, इन दोनों की गुणा करी तो 800 बनकर आ गया 10⁻¹⁹। दो जीरो से दो घात और काट देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 × 10⁻¹⁹ कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी थी यहाँ पर, एक जो कमी थी तो कौन सा आगे का जाना है यहाँ पर धनात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है शुद्ध जल का परावर्तितांक 81 है, निरपेक्ष वेदोषीलता कितनी होगी। परावर्तितांक का मान कहा है, परावर्तितांक दिया हुआ है यहाँ पर 81 दिया हुआ है। परावर्तितांक को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं और निरपेक्ष वेदोषीलता निकालनी है, क्या निकालनी है, निरपेक्ष वेदोषीलता की गणना करें। निरपेक्ष वेदोषीलता होती है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मान है और ये हमारे पास है परावर्तितांक। परावर्तितांक जो होगा उसको आप के लिखेंगे, तो परावर्तितांक के हमने 81 लिखे, निरपेक्ष वेदोषीलता निकालनी है। तो निरपेक्ष वेदोषीलता एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻¹² और के का मान दिया हुआ है यहाँ पर 81। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो दोनों की गुणा करने पर ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 7.17 × 10⁻¹². ये हमें कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, अब कैलकुलेशन करने पर 7.17 × 10⁻¹² गुलाम का प्रति न्यूटन मीटर का आंसर होता है। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में कहा था शुद्ध जल का परावर्तन 81 है, तो परावर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष वेदोषीलता निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में, तो हमने फॉर्मूला लगाया एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन का मान हमने 8.85 × 10⁻¹² ये हम अपने पास रखते हैं, हमें याद होना चाहिए क्या। फिर के बाद के का मान 81, तो हमने के का मान 81 रुपया यहाँ पर, और जो दोनों की गुणा करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 5.17 × 10⁻¹² गुणा इसका प्रति मीटर प्रोड्यूस का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में कहा है दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, प्रतिकर्षण बल आपको निकालना है। प्रोटोनों के बीच की दूरी दी भी है 4 × 10⁻¹⁵ दूरी दी, तो प्रोटोनों के लिए बल निकालना है, तो बल क्या होता है, बल होता है F, हमें F का मान निकालना है यहाँ पर, और दूरी दी हुई है, दूरी की दूरी है 4 × 10⁻¹⁵ यहाँ पर दूरी दी हुई, तो बल का फॉर्मूला लगाएं बल का, तो बल बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε₀Q1Q2r2, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हमें क्या चाहिए, Q1Q2 चाहिए, r2 चाहिए, r तो हमारे पास है, Q1Q2 नहीं है, तो दो प्रोटॉन यहाँ पर दिए, तो प्रोटॉन दोनों ही प्रोटॉन दोनों का आवेश कितना होगा, तो प्रोटोनों का आवेश लेंगे हम, प्रोटोनों का आवेश जो है वही Q1 है और वही Q2 है, दोनों आवेश के जैसे, और ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही प्रोटोन का, तो मान रखते हैं 1/4πε₀, इसका ये होता है 9 × 10⁻¹⁹ पूरे का मान 9 × 10⁻¹⁹ Q1 का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ रखा और Q2 का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ बटे में यहाँ पर दूरी अपनी है आर आर है हमारे पास 4 × 10⁻¹⁹ हल करेंगे, घातों को एक तरफ ले जाइए, संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे 9.1 × 10⁻¹⁹ ये हमारे पास 9 आ गया −19 और −, बटे में 4 × 16 × 10⁻¹⁹ तो इसका पॉइंट हमने डाले तो जीरो बढ़ा दिया है, 16 से ये काटा तो बचा 10। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 19
38 में से हमने 9 घटा दिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्रतिकार माइनस, और यहाँ पर भी हमने देखा 10 ये है प्रतिकार माइनस 30 ये है, इसलिए प्रतिकार माइनस 29 बचा, तो 29 से ये 29 पूरा कट गया, तो घाटे तो पूरी खत्म, अब क्या बचा 1.6 बचा और ये 9 बचा, तो 16 हमने 144 14.4 एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में कहा था प्रतिकर्षण बल निकालना था दो प्रोटोनों के मध्य, हमने यहाँ पर निकाले क्वेश्चन मार्क, और आर दूरी भी थी 4.15 प्रोटोनों का आवेश Q1 बराबर Q2 ये दोनों से बड़ा दिखा पर ये दोनों प्रोटोन का आवेश वही जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, फॉर्मूला का है बराबर 1/4πε0Q1Q2r स्क्वायर हमने लिया, इसका मान 1/4πε0 का मान होता है 9.9 Q1 का मान 1.6 संख्याओं को एक तरफ ले आए 9 × 1.6 × 1.6 यहाँ पे इसका वर्ग था तो वर्ग कर दिया, 4 का हो गया 16, 10 × 15 का हो गया 30, इसका पॉइंट आया नीचे 0 बढ़ा दिया 160 हो गया, 16 से 160 काट गया 10 बचा, इस 10 से घात काट दी तो यहाँ पर बच गया 10 × 19। अब ये 9 × 29 हो गया, 38 में 9 घटाया तो बचा 29, यहाँ पर भी घात 29 बची, यहाँ पर भी घात 29, इससे हमें ये घात बचा गया 9 × 1.6 से गुणा कर दी 16 × 1.6 = 14.4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10^5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच रहने वाले वैद्युत बल की गणना करें, तो दो गोले दिए गए हैं यहाँ पे और दोनों गोलों पर जो भाव इलेक्ट्रॉन दिए वो 10^5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी एम का मान क्या रहा है 10^5 इलेक्ट्रॉन की कमी दी गई दोनों गोलों पर और इनके बीच की दूरी दी है 1 मीटर, तो आर बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, बल निकालना है तो वही हमें बल निकालने के लिए हमें पहले आवेश चाहिए, तो दोनों गोलियों पर आवेश निकालेंगे, पहले दोनों गोलों पर आवेश की गणना करनी होगी और आवेश जो होगा वो Q1 भी वही होगा और Q2 भी वही होगा, बराबर क्या होगा एम ई के बराबर, क्योंकि दोनों का आवेश बराबर ही, एम का मान रखा 10^5, ई का मान होता है 1.6 × 10^-, कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो 1.6 × 10^-, घात से घात कट जाएगी, ये याद रखना पड़ेगा। अब निकालना है बल हमें, तो बल क्या होता है बराबर है 1/4πε0Q1Q2r2, इसका मान पूरे का होता है 9 × 10^9 हमने रखा है अभी, इसका मान आ गया 1.6 × 10^-, 1.6 × 10^-, बटे का आ गया 1 का, तो इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आ जाएगा ये, उनके आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर आ जाएगा 2.3 × 10^-, तो हल कर देंगे आप, हल कर देंगे अंतर 5।